दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो सबको यूज़ करना चाहिए और बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं खाता बुक एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों खाता बुक एप्लीकेशन सबको यूज़ करना चाहिए क्योंकि सभी के लाइफ में सभी से लेन देन लगा रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, खाता बुक हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है क्योंकि हम इसमें पूरा ट्रांजेक्शन अपना लिख सकते हैं, किससे कितना लिए हैं, किससे कितना दिए हैं। अगर आपके पास कोई दुकान है, कुछ भी, अगर आप कोई काम करते हैं तो लेन देन तो सबका चलता रहता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको किसी बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एप्लीकेशन है खाता बुक, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और बिल्कुल भी फ्री तरीका है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद में पूरा ट्रांजेक्शन अपना उसमें आप अपना हिसाब रख सकते हैं, लेन देन का पूरा हिसाब उसमें अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं दोस्तों किस तरीके से खाता बुक एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों साइड में आप लोग देख सकते हो मेरा मोबाइल का स्क्रीन लग चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए यहाँ सर्च बार में क्लिक करता हूँ खाता बुक। इस तरीके से खाता बुक पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सबसे ऊपर आ जाएगा, खाता बुक उधार बही खाता इसका नाम है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो इसको सभी को यूज़ करना चाहिए क्योंकि लेन देन सबका सबसे लगा रहता है, तो लेन देन का हिसाब रखने के लिए हमेशा ये काम आता है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें पेमेंट भी इस एप्लीकेशन से आप एक्सेप्ट कर सकते हो UPI के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों 5 करोड़ प्लस यूज़र इसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसका रेटिंग भी देख सकते हो 4.4 रेटिंग इसका एप्लीकेशन का दिया हुआ है। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ से ओपन करने का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा किस लैंग्वेज में आप इसको देखना चाहते हो। लैंग्वेज इसमें काफ़ी दिए हुए हैं, वैसे इंग्लिश या हिंदी ज़्यादा यूज़ होती है तो मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। इंग्लिश पर क्लिक करूँगा इस तरीके से। जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका कौन सा मोबाइल नंबर इसमें डालना चाहते हो वही मोबाइल नंबर इसमें आप डाल सकते हो। तो चलिए मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। गेट पिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आप डालोगे ये रिडायरेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैसेज भी आ गया और ये रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब इस खाता बुक एप्लीकेशन में मैं इंटर भी हो गया। अब यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हो दोस्तों एड कस्टमर का ऑप्शन है, लेकिन एड कस्टमर करने से पहले और भी कुछ सेटिंग इसमें करना पड़ता है, जैसे आपके बिजनेस का क्या नाम है। तो जो भी आपके बिजनेस का नाम हो या दुकान का नाम हो या ऑफिस का जो भी नाम हो आप रख सकते हो, तो मैं अपना रख देता हूँ। उसके बाद में सेव कर देंगे दोस्तों, आपके दुकान या आपके ऑफिस का नाम, जो भी आपके दुकान का नाम है वो आप यहां डाल सकते हो। उसके बाद में लेन देन का यहां ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में होम के साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हो बीच में मनी का ऑप्शन है, इस मनी पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां आपको पूरा प्रोसेस बताएगा किस तरीके से आपको पेमेंट लेना है। तो यहां रिक्वेस्ट लगा सकते हो किसी से पेमेंट के लेने के लिए या फिर सेंड कर सकते हो किसी को पैसा। उसके बाद में दोस्तों ऑर्डर QR कोड का एक ऑप्शन है, ऑर्डर QR कोड करने पे दोस्तों आपको एक QR कोड मिल जाता है, आपके दुकान पे रख सकते हो। जिस तरीके से मेरे ऑफिस पे लगा हुआ है मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, आप लोग देख पाओगे ये। और ये बिल्कुल भी फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो गेट फ्री QR कोड नाउ, आपको QR कोड फ्री में मिल जाएगा, इसमें कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और जब भी कोई पेमेंट उस QR कोड के थ्रू करेगा तो इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाता है और कोई भी उसमें चार्ज भी नहीं लगता है। UPI के थ्रू पेमेंट आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है, इंस्टेंट आ जाता है, मतलब IMPS के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है और कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसमें आप लोग देख सकते हो QR कोड इस तरीके से है, जैसे मिस्टर धोनी ने इस QR कोड को अपने हाथ में लिया है, तो इस तरीके से QR कोड इसका होता है। और काफ़ी मज़ेदार भी एप्लीकेशन है दोस्तों, और इसका QR कोड भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, UPI सिस्टम इसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, FSC कोड देना है, उसके बाद में अकाउंट नंबर दे देना है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में दोस्तों आप QR कोड को ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर करने के बाद में किसी से भी पेमेंट ले सकते हो। मोर ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे बिजनेस कार्ड आपको बनाना है तो बिजनेस कार्ड बना सकते हो, कैशबैक का ऑप्शन है, क्रिएट ऑनलाइन स्टोर का भी एक एप्लीकेशन इनका चल रहा है, वहाँ से भी कर सकते हो।
बाकी और भी ऑप्शन है, सपोर्ट का ऑप्शन है या सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। उसके बाद में आप बात करते हैं दोस्तों इसमें ट्रांजेक्शन को किस तरीके से आप लेन देन को अपना इसमें मेंटेन करेंगे या किस तरीके से इसमें नोट करेंगे, तो होम पर आएंगे, एड कस्टमर का यहाँ ऑप्शन मिलेगा। जो भी कस्टमर आपका है उसका नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, नंबर आपके पास सेव होगा तभी एड कस्टमर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद में दोस्तों कॉन्टैक्ट का इसको अलाउ कर देना है, जितने भी कॉन्टैक्ट इसमें होंगे वो आ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे एहसान मोनिटर आ गया दोस्तों। अब इसमें इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, यू गेव यू गोट, दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोई पैसा आपको देता है तो एंट्री ग्रीन वाले पे करना है, अगर आप किसी को पैसा देते हैं या कोई सामान देते हैं उस कंडीशन में अगर वो पैसा नहीं देता है बाद में देने के लिए बोलता है तो उसको आपको रेड वाले में एंट्री करना है। जैसे एग्जांपल से मैं बताऊंगा, जैसे मैंने कोई सामान दिया किसी कस्टमर को और वो मुझे पैसा नहीं दिया और उसने मुझसे 100 रुपया बाकी कर दिया, तो मैं यहाँ 100 रुपया बाकी कर दूंगा। उसके बाद में 100 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद में जो भी अमाउंट था, जो भी प्रोडक्ट था उसका नाम दे सकते हो आप, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिख सकते हो किस तरीके से क्या सामान आपने खरीदा था और किसके लिए हमने इसको बाकी रखा था, तो यहाँ से आप लोग उसको डाल सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ, मैंने दोस्तों इसमें एप्पल डाल दिया। दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हो उसका, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसको देते हो तो उसका फ़ोटो ले लो, उसके बाद में स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ से डेट आ जाएगा, डेट पर जो भी डेट होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पिछला करना है या करना है तो अच्छे तरीके से उसको भी इस कैलेंडर पर क्लिक करके कर सकते हो, पीछे का भी कर सकते हो इजी तरीके से, या एडवांस में कर सकते हो उस दिन के लिए अगर वो बोला है तो उसको कर सकते हो। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ से SMS उस कस्टमर को आप भेज सकते हो, जो भी यूज़र है आपका जो पेमेंट लिया है, जिसको आपने पेमेंट दिया है या कोई भी पेमेंट आपका बकाया है उसके पास SMS भी कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री तरीका है। तो मुझे SMS नहीं करना है, नॉट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो इसमें 100 रुपये बाकी में दिखा रहा है, मतलब ये कस्टमर जो भी है वो 100 रुपये मुझे बाकी। आप ऊपर देख सकते हो दोस्तों रिपोर्ट का ऑप्शन है, पेमेंट का ऑप्शन है, रिमाइंडर का ऑप्शन है, उसके बाद में SMS का ऑप्शन है और कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई कस्टमर आपसे टाइम देने के बाद में पेमेंट नहीं करता है तो उसके पास में आप पेमेंट का रिक्वेस्ट भेज सकते हो, पेमेंट का लिंक भेज सकते हो या उसको कॉल कर सकते हो, SMS के थ्रू उसको रिमाइंडर भेज सकते हो किस तरीके से, और उसके बाद उस कस्टमर के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो समझ जाएगा आपका बकाया इतना पैसा बाकी है। अगर वो पैसा दे देता है दोस्तों तो यू गोट पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ लिख देना है और जो भी जिस भी कंडीशन में वो पेमेंट भेजा, जैसे अगर वो कैश दिया तो कैश डाल सकते हो या ट्रांसफ़र किया है आपको UPI के थ्रू तो UPI डाल सकते हो। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर दोगे वो ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा, उसका जो भी अमाउंट होगा वो 0 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, मतलब उसका लेन देन जो भी होगा वो आपको अच्छे तरीके से दिखा देगा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ बैलेंस नीचे वाले में 100 रुपये था, उसके बाद में कैश उसने दिया, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो कैश उसने दिया तो बैलेंस उसका 0 हो गया। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर का हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से बात निकल जाती है कौन से कस्टमर को कितना हमने दिया, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए नोट रहता है। दोस्तों कभी भी आप इस एप्लीकेशन को खोलोगे तो तुरंत ये आपको बता देगा कौन कौन से कस्टमर को आपने पैसा दिया है, किस किस कस्टमर से आपने पैसा लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस एप्लीकेशन को डिलीट हो जाने में या फिर आपका मोबाइल गायब हो जाने में तुरंत उसी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मतलब लॉगिन कर लीजिए, आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और ये तुरंत पूरा बैकअप आपको अपने मोबाइल पर दिखाने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा तुरंत डिलीट हो जाएगा, ये हमेशा के लिए सेफ पड़ा रहता है, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों क्या होता है अगर हमारा मोबाइल गायब हो गया या इस एप्लीकेशन को डिलीट हो जाए तो दिक्कत काफ़ी लोगों की ये होती है कि मतलब वो ट्रांजेक्शन भूल जाता है। जैसे अगर कोई डायरी में नोट करता है, कभी कभी क्या होता है डायरी मिल नहीं पाता है या फिर डायरी से मिट जाता है या डायरी हम चेंज कर देते हैं, काफ़ी पुराना हो जाता है, तो उसके बाद में दोस्तों उस हिसाब को हम अपने दिमाग से निकल जाता है और उस हिसाब को हम कभी भी मिल नहीं पाता है और कभी भी उसको मिलना इतना आसान भी नहीं है। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए और उसके बाद में जितना भी लेन देन होता है उसे इस एप्लीकेशन में नोट करके रखिए, कभी भी आपसे भूल नहीं होगी और कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी पेमेंट लेकर लेन देन आपका अच्छे तरीके से बना होगा और उसको भी आप कभी भी बोल सकते हो इस डेट में इतना अमाउंट मैंने दिया था, इस डेट में इतना मतलब मैंने प्रोडक्ट कोई भी दिया था या आपने कितना कितना पेमेंट किया है, सब कुछ इसमें एंट्री होता है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो, उसके बाद में इसका PDF भी बनाकर कस्टमर के पास भेज सकते हो, जैसे PDF पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसको अलाउ करना और ये इसका PDF क्रिएट हो जाएगा। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अब मेरे
जो भी मैंने अपने दुकान का नाम डाला था वो आ गया, उसके बाद में लेन देन जो भी हुआ था वो आ गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर भी आ गया, उसके बाद में अमाउंट जो भी था उसका जीरो हो गया है अच्छे तरीके से। इसको कस्टमर के पास शेयर भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।